पता नहीं ईगो एटीट्यूड किस बात का था जो स्टेटमेंट दिया गया था कि उनका एक्टिंग की वजह से उनको गया, विच इज़ वेरी ट्रू. उनको बहुत लाइक काफ़ी उनके वर्कशॉप्स भी लिए गए थे, सब लिया था. बट लाइक आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील बैड फॉर द गर्ल. लाइक द गर्ल इज़ रियली स्वीट. ऑब्वियसली मोहसिन एंड शिवांगी के साथ एक अलग ही बॉन्ड था बिकॉज मोहसिन वॉज प्लेइंग माई सन. हेलो वेलकम टेली मसाला, मैं हूं फैजान और मेरे साथ में इस वक्त ये रिश्ता की सोरना यानी नियति जोशी. हाउ आर यू नियति? वेरी गुड, वेरी गुड, डूइंग वेरी गुड. मैं भी बहुत अच्छा हूँ. पहले ये बताइए कैसा लग रहा है सेट का पूरा नया माहौल, और दर्शकों का ये पूछना है कि मतलब नियति कितना एंजॉय कर रही है इस वक्त शूट को? वेल मैं तो हमेशा शूट को एंजॉय करती हूँ. अभी मेरा फिफ्थ ईयर चल रहा है और मैंने 3 जनरेशन्स देखे हुए हैं, सो एवरी टाइम नया जनरेशन आता है तो यू नो इट्स ऑलवेज न्यू. थोड़ा टाइम लगता है सेटअप होने के लिए, बट येस मैं अपने पुराने 2 जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ. ऑब्वियसली बिकॉज बॉन्डिंग थोड़ा डिफरेंट था एंड अभी नए लोग हैं, बट इट्स नाइस. इट्स अ डिफरेंट स्टोरी एंड थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाता है, सो इट्स नाइस. आई मीन आई एम एंजॉइंग माई वर्क. ये जो ये रिश्ता का जो पूरा परिवार है, अगर इसकी अगर मैं बात कहूँ तो क्या रिएक्शन आपका था जब ये रिप्लेसमेंट वाली बातें आपने सुनी कि भाई रातों रात जो एक्टर्स चेंज हो गए? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आप क्या कर रहे थे उस वक्त, और ये न्यूज़ जब आप तक आई तो उस वक्त आपका पहला रिएक्शन क्या? टू बी वेरी ऑनेस्ट, समय आई न्यू दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज होते हैं एक्टर्स, कुछ एक्टर्स हो लाइक आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील बैड फॉर द गर्ल. लाइक द गर्ल इज़ रियली स्वीट एंड व्हाटएवर हैपेंड इज़ अ पर्सनल थिंग, आई रियली डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट. बट हाँ, लड़का अगर आप मुझे सीरियसली पूछे तो उसमें पता नहीं ईगो एटीट्यूड किस बात का था. आई रियली डोंट नो, लाइक आई रियली डोंट नो. ही इज़ टू नॉट एक्नॉलेज पीपल, हाई गुड मॉर्निंग नथिंग, एंड आई जस्ट एनी वेज व्हाटएवर. सो वॉट एवर इज़ हैपन फॉर द बेस्ट नाउ. आई पर्सनली फील दैट अगर राजन जी ने ये स्टेप लिया है, हमारे ये रिश्ता के पोस्टर मेन लीड्स चेंज हुए हैं, मतलब दैट्स अ वेरी बिग थिंग टू जस्ट इमेजिन टू वॉट एक्सटेंट राजन जी मस्ट बी एंग्री, वरना अदरवाइज राजन जी विल नेवर डू दैट. मतलब द एक्टर्स ओवर हियर इतना गार्ड करते हैं ना सारे एक्टर्स को, इतना फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है यहाँ पे सारे एक्टर्स को, बहुत लोगों को चांस दिया जाता है. बट आई गेस सब लोग, कुछ कुछ लोगों का फेट होता है एंड व्हाटएवर हैज हैपेंड आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई जस्ट होप कि जो कुछ हुआ है दे लर्न फ्रॉम दिस लेसन एंड learn to respect people. That is what I just want to say. जिस तरह से अभी आपने कहा कि भाई लड़की के लिए थोड़ा सा आपको बुरा लग रहा है, लेकिन लड़के के लिए जो भी था वो हो गया, लेकिन आपके साथ में कभी आपने इस तरह की चीज़ें कभी एक्सपीरियंस की कभी, या मतलब ये क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था बिकॉज सबसे पहले जो हम लोग बोलते हैं रिस्पेक्ट, वो बहुत है. लाइक आई गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू पीपल एंड द सेम यू नो मुझे रेसिप्रोकेट भी होता है, तो मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है. एंड बट इट्स ओके, आई वॉज इन शॉक टू बी ऑनेस्ट जो कुछ हुआ है. अभी माहौल बहुत अच्छा हुआ है, वाइब्स बहुत अच्छे है, सब कुछ लाइफ मूव्स ऑन. मैं हमेशा प्रेजेंट में रहती हूँ, पास्ट में मैं कभी रहती नहीं हूँ. जो हुआ सो हुआ, नाउ लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर. लड़की के लिए आपने जो बात की है, मतलब कि उनके साथ में बॉन्ड कैसा था आपका? अच्छा था? नहीं नहीं, शी वॉज़ वेरी स्वीट. अभी न्यू कमर थी, ऑब्वियसली जब न्यू कमर्स होते हैं थोड़े से यू नो दे आर ऑलवेज अ बिट स्केर्ड एंड शी वॉज ब्रशिंग अप ऑन हर स्किल्स एंड एवरीथिंग. बट या लाइक यू नो जो स्टेटमेंट दिया गया था कि उनका एक्टिंग की वजह से उनको गया, विच इज़ वेरी ट्रू. उनको बहुत लाइक काफ़ी उनके वर्कशॉप्स भी लिए गए थे, सब लिया था. बट I don't know, sometimes you know destiny has something else for you. But लेकिन आपको भी ऐसा लगता है? मेरी शिवम से मेरी बात हुई थी जो रोहित का कैरेक्टर जो प्ले करते थे, तो उन्होंने ये बोला था कहीं ना कहीं जो लड़की जो है ना वो शहजादा की बातों में आके थोड़ी सी इन्फ्लुएंस हो गई. आई अग्री विद दैट. यस आई ऑल्सो फील, आई डोंट नो बट आई फील दैट शी गॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड द रिजल्ट इज हियर. सो दैट्स इट, आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग. आई जस्ट विश बोथ ऑफ देम ऑल द बेस्ट. जो भी आप करो अभी यू नो जस्ट टेक इट एज अ वेरी बिग लेसन जो आपकी लाइफ में हुआ है, बिकॉज गेटिंग रिप्लेस्ड फ्रॉम अ वेरी बिग शो इज़ अ वेरी 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 बिग थिंग. सो या दैट्स इट. अभी नए अरमान रूही कैसे लग रहे हैं आपको? अरे वेरी स्वीट यार. लाइक पहली वाली रूही भी बहुत स्वीट थी, ये दोनों भी बहुत स्वीट है. लाइक एक्चुअली इतना ज़्यादा इंटरेक्शन हमारा इन दोनों के साथ ज़्यादा हुआ नहीं बिकॉज हम लोग गोइंग का फैमिली इतना शूट नहीं कर रहे अभी. सो बट वेन एवर वी कम लाइक यू नो वट एवर सीन्स एंड ऑल वी डू, वेरी स्वीट पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग एंड मतलब दैट आई सी द पैशन इन देम कि वी वॉन्ट टू डू इट. सो लेकिन जिस तरह से मैंने कई सारे लोगों से बात पूछी है, एक एक्टर के लिए एंड प्रोफेशनल का टैग एक शुरुआती दिनों में लग जाना, लगता है कहीं ना कहीं आगे इंडस्ट्री में काम करना, ये सारे टैग्स ना कहीं आगे इंडस्ट्री में काम करने में थोड़ा तकलीफ देते? वो तो होता ही है बिकॉज यू नो वर्ड ऑफ माउथ होता है, इट स्प्रेड्स एंड अगर आप
इतना एटीट्यूड और ईगोज में रहोगे ऑब्वियसली नथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू एवर. इट्स नॉट ओनली इन दिस इंडस्ट्री. आई जस्ट फील जस्ट बी काइंड या बी काइंड टू पीपल. मतलब एवरी विच एवर इंडस्ट्री यू गो टू. बट हाँ थोड़ा सा तो होता है. बट लेट्स सी मे बी फॉर मंथ्स और ईयर्स थोड़ा सा वो इफेक्ट होगा. बट लाइक आई सेड अगेन यू नो लाइफ मूव्स ऑन. एवरीबडी मूव्स ऑन. लोग भूल जाते हैं. लोग सीख जाते हैं. तो शायद वही हो जाएगा उन लोगों के साथ. एंड बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि एक ना एक नया एक क्लॉज बड़ा हुआ है जो नो अफेयर क्लॉज की जो बात बार बार हो रही है. आपने सुना इसके बारे में? मैंने भी एक मैं परसों ही सुना शायद मैंने इसके बारे में. सो बट आई थिंक आई टोटली अग्री विद इट. आई मीन इट्स अ वेरी बिग बेस्ट क्लॉज जो आया है. एंड ये क्लॉज तो कॉर्पोरेट्स में भी होता है. लाइक यू नो जो कुछ आपको करना है 9 बजे के बाद जो करना है सेट के बाद जो करना है प्लीज़ करो. सेट पे जस्ट बी प्रोफेशनल. जो भी पर्सनल लाइफ है प्रोफेशनल लाइफ है ड्रॉ अ लाइन. इट्स फॉर योर बेटरमेंट ऑल्सो एंड इट्स अ बेटरमेंट फॉर अदर्स ऑल्सो. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्लॉज दैट डी के पी इज कम अप विथ. आपके आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ सरगिया क्लॉज है? आपने भी कुछ साइन किया? नहीं हमारे इसमें हम तो 5 साल पुराने वाले हैं. तो आई डोंट नो एक्चुअली. पता नहीं मुझे एक्चुअली कि है कि नहीं. अभी तक किस किसके में ये लागू हुआ होगा आपको लगता है जो नए जो लोग आए हैं उनके में? आई डोंट नो एक्चुअली. आई रियली डोंट नो. पता नहीं मुझे. नो कमेंट्स. आई डोंट नो. अच्छा 3 जनरेशन के साथ में काम कर लिया है और एक तरीके से अब ये चौथी कह सकते हैं जो नए एक्टर्स जो नए जो प्लेयर्स जो होते हैं. सबसे ज़्यादा मुश्किल काम करना किसके साथ में था आपको जो लगता है? सबसे ज़्यादा यादगार किसके साथ में था मुश्किल और यादगार? From the 3 generations you're saying, actually dono generations have different stories. Obviously Mohsin and Shivangi ke saath ek alag hi bond tha because Mohsin was playing my son. To wo ek alag hi hum logo ka tha. And Mohsin hamesha mujhe bolta tha yaar maa kaun se angle se meri maa lagti hai. Like first day I still remember he refused to call me mother. He's like nahi main isko kaise maa bolu. And he started laughing. But there are lot of these instances. Then Pranali ke saath ek bahut hi alag bonding tha. Like you know I was like a bigger sister टू हो. तो बहुत बार हम लोग आज ही इनफैक्ट मैंने एक स्टोरी भी डाली है जहाँ पे सीन में ना हम लोग अगर एक दूसरे को अगर देख लेना हम लोग हंसते थे. लाइक वी यूज़ टू नॉट लुक एट ईच अदर. जस्ट नॉट लुक एट ईच अदर. तो ऐसा कुछ तो मीम था. तो आई जस्ट पुट इट ऑन इंस्टा सेइंग दैट मी मयंक जो अपना अभी किसका कैरेक्टर कायरव का कैरेक्टर प्ले कर रहा था. सो यू नो लॉट ऑफ इंस्टेंसेज लाइक दैट विद एवरी वन. लाइक आई रियली मिस देम. मिमी शी वॉज लाइक माई ओ माई गॉड. स्वाति आंटी वॉज लाइक माई क्या बोलूँ ट्विन सिस्टर या क्या बोलूँ. लाइक माई कैमरा मैन हमेशा बोलते थे लाइक यू नो ये दोनों अगर पीछे वहाँ पे लाइक वी यूज टू टॉक ऑन टेक चल रहा है एंड हम लोग ऐसे क्या हो रहे हैं हम लोग ऐसे बात करते थे. एंड और कैमरा यूज टू कैमरा मैन वहाँ से ना हमको दिख रहा है हंस रहा है बिकॉज ही नोज वॉज गोइंग ऑन बिटवीन अस. सो आई रियली मिस हर बिकॉज शी वॉज समवन आई वॉज वेरी 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 क्लोज टू. बट या आई एम स्टिल इन टच विद ऑल ऑफ देम. मुश्किल तो तब था जब एक जनरेशन जाती है. ऑब्वियसली इट्स लाइक इट्स समवेयर अपसेट्स यू नो. यू स्पेंड सच नाइस ब्यूटीफुल मेमोरीज विद एवरीवन. प्यार भी था झगड़े भी थे सब कुछ था यार. मतलब सो आई थिंक दैट इज़ द मुश्किल थिंग फॉर मी फॉर बोथ द जनरेशन व्हेन बोथ ऑफ देम लेफ्ट. लाइक आई स्टिल रिमेंबर जब मोहसिन का लास्ट डे था आई रिमेंबर क्राइंग लाइक यू नो. एंड राजन जी वॉज लाइक डोंट cry. No, you all don't cry. He will be back soon. I'll cast him in something else. So yeah, it's always. Harshit Pranali se baat hoti hai abhi aapki? Pranali se I'm in touch with her very much. Like Pranali to is like my chotu sister. Ye abhi dopahar mein hi uske saath I was chatting with her. Very much in touch with her. Karishma also I'm in touch with her. Sabke saath hu touch mein. What's her reaction in all these things? In sari cheezon ke upar uska kya reaction? No. We didn't actually talk. हमारी बात हुई नहीं एक्चुअली उसके बारे में. इस विषय पे कोई बात नहीं 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 वी डोंट नो. सी वी डोंट आई मीन आई जस्ट फील कि इतनी बड़ी बात है इतनी बड़ी न्यूज़ है कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया आजकल इतनी वो तो है. लाइक यू नो पीपल विल आस्क कि अरे क्या हुआ सडनली यू नो दिस दैट. बट इट्स ओके. आई मीन एवरीबडी हैज़ देयर ओन लाइफ. वी आर नो वन टू कॉमेंट ऑन दैट. बट या व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म एंड व्हेन इट कम्स टू वर्क एंड इफ योर वर्क इज गेटिंग हैम्पर्ड आई सपोर्ट व्हाट दे कीप इट इट. सो या तो जो भी मेकर्स ने जो किया है जो भी करा है उन्होंने वो ठीक किया है आपके साथ? या एब्सोल्युटली. एंड वॉट एवर लाइक टुडे राजन जी समवन उन्होंने अगर ये रिश्ता हमारा 14-15 साल चला है इट्स इतना चला है बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स यू नो. अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल एज अ प्रोड्यूसर. आई नो द स्ट्रेस लेवल्स दैट ही गोज थ्रू. इट्स इम्पॉसिबल टू रन ऑल दिस. सो या इट्स ओके. सो TRP को लेकर अभी कितना प्रेशर है आपके ऊपर क्योंकि जो अब थोड़ी TRP भी थोड़ी इस वीक की जो है वो थोड़ी सी कम देखने को मिली है हमें उस पर क्या कहना है? वो तो TRP तो ऊपर नीचे तो होते रहता है यार. लाइक इन द पास्ट 5 ईयर्स कितनी बार नीचे गया है कितनी बार ऊपर गया है. एंड स्पेशली IPL टाइम तो जब आता है
सबकी टीआरपी नीचे जाती है एंड यू नो यू कांट ऑलवेज बी ऑन द टॉप, यू हैव टू कम डाउन टू गो बैक अगेन ऊपर. सो इट रियली डजंट अफेक्ट दैट मच, टीआरपी ऊपर नीचे होता ही रहता है. अगर मौका मिले आपको, अगर उनसे एक मैसेज पहुंचाने का, जो पुराने जो अरमान और रूही जो रह चुके हैं, शहजादा और प्रतीक्षा, तो क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगी, क्या बोलना चाहेंगी आप? I don't want to comment on that. I have said enough. No, I don't want to comment on that. No. कुछ तो कर क्योंकि काम कर चुके हैं, मतलब एक मैसेज आगे के लिए. No, just messages, just learn to like draw a line and personal, professional, कहीं पे भी जाओ, चाहे यहाँ हो, बाहर हो, कहीं पे भी जाओ, there are certain boundaries, don't cross it. कुछ रोक रहा है आपको कहने से? क्या बात है. नहीं, कुछ रोक नहीं रहा है. आई हार्डली शॉट विद देम आल्सो. आई मीन देयर इज नथिंग, बट या आई मीन द गाय, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गर्ल, बट द गाय वाज, क्या कर दिया लड़के ने ऐसा, कर कुछ अगर बताना. नहीं नहीं, मतलब मेरे साथ देखा होगा. नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ पर्सनली तो उसने किया नहीं है. आई जस्ट नो दैट जो सुनने सुनाने में आया, जितना आपने देखा है. हाँ, मतलब एक था यार, ईगो था, एटीट्यूड था, कौन सा था पता नहीं मुझे. आई डोंट नो दैट, आई रियली डोंट नो दैट, बट ठीक है, अभी मिला उसको उसका लेसन, सो व्हाटएवर. आने वाले दिनों में नियति और क्या करती हुई आएंगी अपने कैरेक्टर के साथ में, और शो के अंदर और क्या करती हुई नजर आ सकती हैं स्वर्णा? स्वर्णा क्या करती है, स्वर्णा ने, स्वर्णा जो 5 साल से कर रही है ना, स्वर्णा वही करती आएगी, हमेशा सपोर्ट करेगी, पॉजिटिव थिंग्स को सपोर्ट करेगी. मनीष जी कुछ बोलेंगे, स्वर्णा बोलेगी नहीं मनीष जी प्लीज़, नहीं मनीष जी, यही चलते रहे. पर नानी हूँ यार, मतलब आई कांट बी लाइक, आई हैव टू सपोर्ट माई किड्स, सो आई विल बी डूइंग दैट ओनली. ऐसा कुछ नहीं है मेरा, लाइक देयर इज नो कैरेक्टर अभी जो है. No, there's absolutely, there's nothing. I myself don't know what the story is going to be like. So, yeah. Okay. जाते जाते कोई दर्शकों से कुछ बोलना चाहेंगी आप, जो भी आप बोलना चाहें? ये रिश्ता के फैन से बस इतना कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच. रियली लाइक स्पेशली एज अ कैरेक्टर फॉर स्वर्णा मैं बोलूँगी, मेरा कैरेक्टर रिप्लेस किया गया था एंड आई नो लाइक यू नो पहले वाली स्वर्णा को पीपल यूज़ टू रियली लव हर एंड ऑब्वियसली एक चेंज हो जाता है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू एक्सेप्ट बट इवेंचुअली पीपल एक्सेप्टेड मी एंड आई एम रियली 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 ग्रेटफुल. आज जो भी मैं हूँ, जो भी मुझे फेम है, वट एवर इट इज़, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज एंड कीप वॉचिंग ये रिश्ता. आई नो बहुत सारे कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, जनरेशन चेंज होती है, बट हम सब लोग यहाँ पे हैं आप सबको एंटरटेन करने के लिए. सो जस्ट कीप शावरिंग द लव जो आप लोगों ने इतने सालों से किया है. थैंक यू. थैंक यू सो मच नियति जी हमसे बात करने के लिए, एंड आई होप दर्शकों को बहुत अच्छी लगेगी हमारी ये सारी बातें. थैंक यू सो मच.